नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। आज हम बात करेंगे आज से ठीक 48 साल पहले इस देश में एक घटी घटना से। मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं 1971 की। 1971 में इस देश में, या यूं कहें भारत और पाकिस्तान में, दो घटनाएं घटी थी जिनका असर आज तक देखा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध में, जिसमें बांग्लादेश बना था। उसी दौरान कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में लगभग 350 सीटों से ज्यादा सीटें जीतकर लोकसभा में भारी बहुमत पाया था। उसी दौरान रायबरेली में एक चुनाव हुआ जिसमें देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था लगभग 2.25 लाख वोटों से। उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे राजनारायण जी, जिन्होंने बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जिनमें 14 मुद्दे थे। उन मुद्दों में दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। एक तो इंदिरा गांधी के चुनाव का संचालन के लिए मिस्टर यशपाल, जो कि उनके सचिव हुआ करते थे। दूसरा, जिस मंच से इंदिरा गांधी ने भाषण दिया था उस मंच को उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने तैयार किया था। इन्हीं तरीके के 14 मुद्दों को लेकर राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे, जहां पर 12 मार्च 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा, जो उस समय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री को भी वहां बुलाया गया था कोर्ट पे। मैं आपको बता दूं, उनकी कुर्सी भी ठीक उनके बगल में लगाई गई थी, थोड़ा सा वो नीचे जरूर थी। उनका निर्णय आया, चुनाव रद्द कर दिया गया। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर 23 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका चुनाव रद्द कर दिया। 24 तारीख को उस समय के तेज तर्रार नेता जयप्रकाश जी ने, जो बिहार से आया करते थे, उन्होंने पूरे देश के इंदिरा गांधी के सारे विरोधियों को एकत्र करकर रामलीला मैदान पर एक रैली की थी। रैली में उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्तियां गुनगुनाई थी, सिंहासन खाली करो पब्लिक आती है। 25 जून 1975 के शाम का ये वाक्या है। उसी रात इंदिरा गांधी ने तय किया देश में इमरजेंसी लगा दी जाए। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. उन्होंने उस समय के अपने किचन कैबिनेट के प्रमुख सदस्य सिद्धार्थ शंकर रे को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने भेजा। पीछे पीछे इंदिरा गांधी अपने निजी सहायक आर के धवन के साथ वहां पहुंची। उन्होंने फखरुद्दीन से कहा, वो उस समय राष्ट्रपति थे, उनसे कहा कि हमें इमरजेंसी लगानी है, देश के हालात बहुत बुरे हैं। शायद राष्ट्रपति ने पूछा होगा, क्या वाकई सुनी सुनाई बातें हैं? उन्होंने कहा था, जी हाँ, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति है, बट राष्ट्रपति जी देश में इमरजेंसी लगानी है। फैसला हो गया, रात को इमरजेंसी लगा दी गई। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी, दिस इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। आधी रात को उस समय शाम की रैली करके जयप्रकाश नारायण गांधी शांति धाम में आराम कर रहे थे। उनको रात को 1:30 बजे पुलिस ने जगाया, कहा आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने सम्मानित अतिथियों का परिचय कराऊं, उसके पहले मैं यह बता दूं, इमरजेंसी में गिरफ्तार होने वाला दूसरा शख्स कांग्रेस का तेज तर्रार सांसद था, जो देश के बाद में प्रधानमंत्री भी बने। मैं चंद्रशेखर जी की बात कर रहा हूं। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊं, उसके पहले मैं अपने जो खास मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ है सुभाष श्रीवास्तव जी, जो मीसा बंदी रहे हैं। हमारे साथ है राजेंद्र मिश्रा जी। मैं इनके बारे में बता दूं, इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो आप गुड़ क्षेत्र से विधायक हुए थे, संसदीय सचिव भी बने थे। हमारे साथ हैं अजय खरे जी, आप भी मीसा बंदी रहे हैं। हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले मैं अपने तीनों
खास मेहमानों से कहूंगा संक्षेप में, आप मीसा को किस नजर से देखते हैं सुभाष जी? सबसे पहले जावेद भाई, आपकी जानकारी को एक करेक्ट कर दें, जिसको आपने 12 जून 1978 कहा है, वो एक्चुअली 12 मार्च नहीं था, 12 मार्च नहीं था, 12 जून 1975 को फैसला हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट से, और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा जी थे, उन्होंने फैसला दिया था, और फिर उसके बाद 25 जून को इमरजेंसी लगी, और जयप्रकाश जी नारायण जी के साथ नेतृत्व में जो पूरे देश के सारे गैर कांग्रेसी लोग इकट्ठा हुए थे और पूरे देश की जनता इकट्ठी हुई थी, जिसमें आपने बताया कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, वो 7 मार्च 1975 को रैली हुई थी दिल्ली की धरती पर, और वो ऐतिहासिक रैली हुई थी, उसके पहले इस तरह की रैली नहीं हुई, उसके बाद आज तक नहीं हुई। जहाँ तक इमरजेंसी लगने का सवाल है, तो आपको मैं और उसमें करेक्ट कर दूं कि 74 से आप मामला इसको लीजिए, तब ये आप 12 जून 1975 तक आएंगे, डिसीजन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के और इंदिरा जी के खिलाफ वो फैसला हुआ, वो मुख्य आधार बन गया इमरजेंसी लगने का, आपातकाल लगने का। लेकिन जून 1974 से आंदोलन शुरू हुआ है बिहार की पटना से, जहां पे जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण की रहनुमाई में पूरे देश का नौजवान इकट्ठा होगी, पूरी तरुणाई इकट्ठी होगी, इस आंदोलन में कूच किया था, शामिल हुई थी, और सारे राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी सीमाओं को तोड़ के, अपनी अपनी मर्यादाओं को, अपने अपने उसूलों को किनारे रख के, और जयप्रकाश जी ने जैसा कहा उस उनके नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन की बात कही थी जयप्रकाश जी ने, कि हमला चाहे जैसा भी हो हाथ हमारा नहीं उठेगा, उनका एक उसूल था, और छात्रों नौजवानों के नेतृत्व करते हुए उन्होंने महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार जो समय चरम सीमा पर थी उसके खिलाफ ये मूवमेंट शुरू किया था, जिसका नाम दिया गया था संपूर्ण क्रांति, और उस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की स्थिति यह हो गई थी कि पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, पूरे देश का व्यापारी, पूरे देश के राजनीतिक दल के लोग, कार्यकर्ता लोग उमड़ आए थे, सड़कों पे उतर आए थे, और सत्ता की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने लगे। ये 12 जून 1975 पहुंचते पहुंचते इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते पहुंचते ये मामला और चरम में पहुंच गया। ये दो कारण बन गए इस देश में आपातकाल लगने के। आप क्या कहना चाहेंगे जी? इमरजेंसी को लेकर मेरा ये कहना है कि ये सुभाष जी जो बोल रहे थे वो तो सही है, लेकिन इसकी शुरुआत गुजरात के नवनिर्माण समिति के आंदोलन की ओर से हुई, जहाँ छात्रों ने जो मैथ्स में दाम वृद्धि हो गई थी, उनके मूल्य वृद्धि हो गई थी मैथ्स के, वहाँ से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और बाद में ये आंदोलन बिहार पहुँचा और जयप्रकाश जी ने इसको खुला समर्थन दिया, उनके नेतृत्व में लड़ा गया, और करीब करीब उनका ये दलहीन आंदोलन था, और उन्होंने ये कहा था इस आंदोलन जो आएगा वो दलहीन पहचान लेकर नहीं आएगा। तो ये आंदोलन में 74 में ये जोर पकड़ा, मनीष जानी के नेतृत्व शुरू हुआ, हाँ 74 में इसने जोर पकड़ा, और इसमें हमारे लोग के बीच के उस समय नेता जो थे शिवानंद तिवारी, अख्तर हुसैन, और अख्तर हुसैन के बारे में से ये नारा लगा था कि अब्दुल गफूर चूर है सत्ता के खेल में, अख्तर हुसैन बंद है पटना के जेल में। तो इन ढंग से आंदोलनकारी लोग थे, रघुपति जी लोग थे, ये तमाम लोग सक्रिय थे, और आज भी वो भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से हैं। तो ये आंदोलन में जो मुद्दे थे उन मुद्दों के पीछे हम लोगों ने यहाँ भी शुरुआत की, वहाँ भी लड़े, लड़ाई लड़े, और उसकी पृष्ठभूमि में ये सारी परिस्थितियाँ बनी इंदिरा गांधी का ये सब, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव था, और जयप्रकाश जी ने यह सब कहा कि जो जयप्रकाश जी मेरी जो संपूर्ण क्रांति है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति है। तो उसके बारे में जो आगे कोई चर्चा होगी ये मैं बताना चाहता, और ये एक लंबी पृष्ठभूमि थी, लंबी लड़ाई थी, और आज़ादी के आंदोलन के बाद जो रक्तहीन क्रांति थी वो, तो उसमें बने पूरा नारे थे उनके कि हमने किसी ढंग की कोई बात होगी हमको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। मैं राजेंद्र मिश्रा जी के पास चलूं, उसके पहले दर्शकों को बता दूं 2.5 साल बाद, इमरजेंसी के 2.5 साल के बाद दोबारा चुनाव हुए, मुरारजी देसाई के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी, वो सरकार 3 साल ही चल पाई, उसके बाद इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में। खैर ये एक लंबी कहानी है, हम वहां से लेकर आज चलते हैं। आज 1919 में मीसा की एक बार आवाज फिर से गूंजी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है मीसा
बंदियों की पेंशन को बंद कर दिया जाए। मीसा बंदियों को पेंशन क्यों? मैं राजेंद्र मिश्रा जी से जानना चाहूंगा, मीसा बंदियों की पेंशन क्यों इनको मिल ही क्यों रही थी, जो बंद करने का आपने सवाल पैदा किया आपकी सरकार ने? तो जावेद भाई, मैं आपकी बात का जवाब दूं, इसके पहले मेरे दोनों तरफ बाएं और दाएं तरफ सुभाष भाई और अजय भाई मौजूद हैं, और पृष्ठभूमि मुझे पता नहीं कि आपने पिछले 30-40 वर्षों के इस वाक्या को क्यों सामने ला करके, वो हो सकता है कि आपकी पृष्ठभूमि आगे आए, दोनों साथियों ने कहा है। और उस विषय पर मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेसी होने के नाते हमारे दोनों भाई उस समय जेल में थे, मुझे याद है, मेरे बाएं दाएं बैठे दोनों साथी। मैं बेसिकली कांग्रेस विचारधारा से, एनएसयूआई के संगठन से पैदा हुआ था और उस आंदोलन को भी बहुत नजदीक से हमने देखा है। कांग्रेस की सरकार ने जितनी बातें आप सब कह रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन कैबिनेट का वो निर्णय था, इंदिरा जी उसकी प्रधानमंत्री थे, और जब कैबिनेट कोई निर्णय ले लेता है तो नियमता उसमें राष्ट्रपति बहुत पूछताछ करने की स्थिति में होते नहीं। सही, तो इन परिस्थितियों में आपने दोनों बातें चुकी जावेद भाई कह दी कि देश की जनता ने जो, आवाम ने जो फैसला दिया वो भी हम सब ने देखा, और उसी देश की जनता ने, आवाम ने जिनको बहुमत दिया था उनका हाल 3 वर्ष में क्या हुआ वो भी चुकी आप ही ने कह दिया, इसलिए मुझे उस विषय पर बहुत अब जाना नहीं। रही बात इस समय 2019 की, जो आपने अभी कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से मीसा बंदियों के विषय में कहा है कि उनको जो पारितोषिक मिलता था वो बंद कर दिया गया, मैं बेसिकली एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कौवा कान ले गया, कान ले गया, कान किसी ने देखा नहीं। अरे जावेद भाई, ये तो उसी तरीके का है, बीच में भी एक सगल चला, बड़ा तेजी से चला, वंदे मातरम बंद, वंदे मातरम बंद, वंदे मातरम बंद। अब जो कमलनाथ जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, वंदे मातरम तो चलेगा ही, बैंड बाजे के साथ चलेगा, उसके और पुष्टि कर दी। तो ऐसा मत करो भाई, जिन साथियों ने वास्तव में संघर्ष किया और इतने महीनों जेल में रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ टाइप के लोग, कुछ ऐसे लोग। अब आप जरा इसको देखें कि इस राज्य के मुख्यमंत्री एक नहीं, राज्य के दो दो भूतपूर्व मुख्यमंत्री मंत्री, नियम में है कि अगर कोई सांसद पेंशन सांसद बना और विधायक बना, तो अगर पूर्व सांसद है और पूर्व विधायक है तो वो एक ही की पेंशन प्राप्त करे। अब यहां पर हालत यह है कि वो मुख्यमंत्री का भी पेंशन ले रहा है और साथ में मुख्यमंत्री का भी भत्ता, दौरा, फलाना ढिकड़ा ये सब ले रहा है। तो कमलनाथ जी ने केवल इतनी बात कही है कि जहां इस तरीके की गड़बड़ियां हैं उसका हम भौतिक सत्यापन करेंगे, और जब तक इसका भौतिक सत्यापन नहीं हो जाता, अब उस जमाने में कोई 101 जामन में चला गया, उस जमाने में किसी ने कोई मारपीट करके चला गया, तो कुछ ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं समाचार पत्रों में, रोज आता है अमर उजाला, कौन कौन से पेपर में हमने पढ़ा है उसको। तो अगर इस तरीके की कोई शिकायतें मुख्यमंत्री के पास आई हैं, नए नए वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने केवल इतना कहा है कि इसका हम भौतिक सत्यापन कराएंगे, और भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात जो उचित है, जो ठीक है, उस पर निर्णय किया जाएगा। सुभाष जी, रोकने की बात कहां? सुभाष जी, इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? आप जैसे कह रहे हैं भौतिक सत्यापन हो जाए, जो पात्र है उनको मिले, जो अपात्र उनको ना मिले, इसमें आप लोग को क्या दिक्कत? देखिए, जहां तक अभी माननीय मिश्रा जी ने जो बात कही है, अगर इतनी बात हो बहुत उतर जाए कागज पे, रिकॉर्ड पे, निर्देश पे, आदेश पे, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो निसंदेह ना तो हमें और ना किसी मीसाबंदी, जो पात्र मीसाबंदी जो वास्तव में जेल के अंदर रहे हैं, जो जेल के अंदर नारे लगाते रहे हैं 19 महीना रह के जवानी की उम्र में, कि कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखा है और देखेंगे, कितने सैनिक पास तुम्हारे देखा है और देखेंगे,
जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तो ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे जो लोकतंत्र सेनानी रहे, लोकतंत्र के प्रति मरने जीने के लिए तैयार थे, उनको अगर पेंशन मिल रहा है तो आपने जैसे कहा तो वो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। और आपसे मैं ये भी सहमत हूँ कि अगर जो इस दौरान फर्जी लोग पा गए हैं, शपथ पत्र के आधार पे पा गए हैं, जो एक दिन के लिए भी जेल के नाम पे पा गए हैं, एक दिन मैं जेल नहीं मानता, कम से कम 6 महीना वो आदमी जेल में रहा हो और वाकई वो समर्पित रहा हो तो देश और समाज के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, ऐसे लोगों को मिले तो अगर छटनी होती है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। छटनी के सहमत हम भी हैं फर्जी लोगों की, पर जो मूल क्रांतिकारी रहे, जो सही लोग थे, जो पात्र लोग थे, अगर उनका बंद होता, अगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि वो मूल लोगों को, सही लोगों को, क्रांतिकारियों को, संघर्षशील लोगों को, मिर्जा बच्चों को मिलेगा तो इससे स्वागत ही होगा। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार आदमी, अगर जिम्मेदार आदमी कहें तो उस बात को मानना ही पड़ेगा। अजय जी क्या सोचना है आपका? मिर्जा बंदी पेंशन का जहाँ सवाल है, एक चीज मेरी, मैंने जो भी बात है अभी मिश्रा जी बोल रहे हैं वो अलग कि वो जारी रहेगी या अपात्र लोग हटाए जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन यदि ये सरकार सम्मान पेंशन बंद भी करती है तो उसका अपना नजरिया है। यदि वो बंद भी कर दी जाएगी तो मेरा उस पर कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। सरकार का अपना नजरिया है, वो दे रही कि नहीं दे रही है, क्योंकि हम सम्मान के भूखे नहीं हैं, मुहताज नहीं हैं। और सरकार का अपना आउटलुक है कि वो कैसे सोच रही है, उसको कैसे चलाना है, क्या करना है। और इसमें यदि कमलनाथ जी ये चाहते हैं, जो मिश्रा जी अभी बोल रहे थे कि इमरजेंसी में जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाली पेंशन में गड़बड़ हुआ, गड़बड़ ज़्यादा, लेकिन उसमें गड़बड़ ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि उसमें 5 साल का जो जेल में रहा या काला पानी की जो सजा काटा था वो तस्दीक करता था। तो उससे क्या था कि वो बहुत सोच समझ के, तो उसमें उसकी गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन मीसा बंदियों में ये पात्रता जो है ऐसे लोगों को दे दी गई जो केवल मीसा में बंद था, वो 2 लोगों को पैदा कर देगा, 4 लोगों को बना देगा, 6 लोगों को बना देगा, किसी को कर देगा। 2 मीसाबंदी मान लीजिए सुभाष जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, अभी कोई आया आप ही कहे कि यार मेरा भी कर दो, तो हम दोनों मिलके कर दिए, उसको कलेक्टर ने मान लिया। इससे सिर्फ रीवा में करीब 10-15 दिन मुझे लगता है कि मेरा काम बड़ा हल्का हमारे मित्रों ने कर दिया है, आपने भी हल्का कर दिया है, बड़ा तमाशा हो गया है। मेरे मन शासन की बात ये मानते हैं कि मूल लोगों का नहीं बंद होगा, फर्जी लोगों का छटेगा। बहुत साफ उसमें कहा गया है भौतिक सत्यापन शब्द का जो प्रयोग किया गया, सत्यापन तो भौतिक सत्यापन का आशय ही इस बात का है। और मैं पहले कहा कि कौवा कान ले गया, कान ले गया। जो बात आप कह रहे हैं, अजय भाई ने कही, वास्तव में मूल धारा पर, मूल पृष्ठ पर बात तो यह बहुत अच्छी है कि जब सम्मान निधि मिल रही थी तब भी, और अगर नहीं मिल रही है तब भी हम उसको स्वागत करते हैं। ये तो एक सामाजिक सरोकार के दृष्टि से हम लोग जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये गीता के पाठ की तरह है और इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके साथ में फिर उस बात को दोहरा रहा हूं जो मैंने भी पढ़ा है कि कमलनाथ जी ने जब इसके भौतिक सत्यापन की बात कही है तो भौतिक सत्यापन का अर्थ ही यही होता है कि अगर कोई गड़बड़ी, जैसे आप ही दोनों हमारे साथी इस बात को कह रहे हैं कि हम किसी ने 2 को और साथ में उसको सत्यापित कर दिया, उसको भी पेंशन मिलनी शुरू हो गई। शुरू शुरू में मेरे पास जो सूचना है कि कोई 12,000 की लिस्ट थी, अब वो पहुंच करके 23,000 और 25,000 की हो गई है। तो एक तरीके से ये तो देश को इस तरीके से अगर पैसा दिया गया तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में लोगों को जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आम जनता जो पिस रही है इस महंगाई में, उनके भी मन में ये भाव जाना चाहिए और हम सबके भी मन में भाव जाना चाहिए। लेकिन मैं जिससे जैसी बात सुभाष भाई ने कही और अजय भाई ने कही है, मैं निश्चित रूप से इस बात को आपके सामने कह सकता हूं और हमको खुशी भी होगी कि भौतिक सत्यापन तक मुझे लगता है कि कोई संदेह करने जैसी बात सरकार के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और दोनों साथी हमारे इस बात को लेकर के सहमत हैं कि उसका सत्यापन होना चाहिए कि गलत तरीके के लोगों को तो नहीं। जैसा कि हमारे सारे अतिथियों का कहना कि इसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए, कर्मकर्म बहस आगे भी जारी रहेगी। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है,
खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाता। सच्चे और सही रास्ते से गुजरकर जो लाए सही पहचान, यही है नई दर्शन की पहचान। एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मिसियाबंदियों को मिलने वाली पेंशन की। अजय जी, ये जो तरीका है, इस तरीके में कहां गड़बड़ी है और इसमें आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो जेल की लिस्ट है उसको अलग बनाना चाहिए और उसमें भी उस लिस्ट में ये देखा जाना चाहिए कि उस समय का जो कलेक्टर था उसने किसको राजनीतिक बंदी माना है, किसको असामाजिक बंदी माना है। पुलिस कहाँ जगह उपलब्ध है, रोजगार दफ्तर उपलब्ध है, हम लोग के पास भी उसकी प्रति है। तो यहाँ पर क्या है कि करीब 13 लोग असामाजिक सदी थे और 66 लोग राजनीतिक बंदी थे, तो सबको गच्छपच कर दिया। उसके बाद उनको भी पेंशन हम लोग पहले उनको मिल गई और इसी तरह से बाद में जो ये फर्जीवाड़ा शुरू हुआ जो जो लोगों का, तो कोई 151 था वो भी मिसाबंदी हो गया, जिन्होंने जेल कभी नहीं झाँकी वो भी हो गए। इस तरह से हुआ और जो पेंशन जो लागू हुई 2008 में, तो इनको चाहिए था तो 2003 में भी याद आना चाहिए था। लेकिन 2008 का कारण क्या था कि शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने लाभ के लिए इसलिए किया, उनको भावना आई मिसाबंदियों की याद आई क्योंकि ये बिन जनाधार के मुख्यमंत्री बन गए थे क्योंकि चुनाव में लड़े थे और उमा भारती और बाबूलाल गौर के बाद ये मुख्यमंत्री बने। तो 2000 का जब इलेक्शन आया तो उसके तुरंत बाद तुरंत पहले अप्रैल में इन्होंने मिसाबंदी पेंशन योजना लागू की और नाम दिया लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि। इसके बाद इन्होंने 6000 रखा, 3000 रखा, जो 6 महीने से ऊपर थे उनको 6000 और जो 6 महीने से कम थे उनको 3000, उसमें भी 3 महीने की सीमा थी। इनमें फिर उसने अगले चुनाव में इन्होंने राशि बढ़ा के 15000 की है, फिर वो चुनाव भी निकाला उन्होंने। और इसके बाद में इस चुनाव में इन्होंने 17 में फिर बढ़ाया 25000। इसे ये चुनाव में भी चुमा चुम रहे तो मिसाबंदी भी काफी इन्होंने ध्रुवीकरण किया अपनी पार्टी के लिए, एक राजनीतिक इस्तेमाल किया। और करीब करीब वही लोग थे, समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग बहुत कम थे, तो पूरी एक खास बिरादरी को फायदा पहुंचाया। तो इस ढंग से इन्होंने गलत किया। बाकी जहां सम्मान की बात है, राजनीतिक लोगों की बात है, तो मिसाबंदी राजनीतिक लोग थे उनको सम्मान पेंशन दी, सरकार जारी रखना चाहती जारी रखे, बंद रखना चाहती बंद करे। मिश्रा जी, जैसे कि अजय खरे जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, इसको आप किस नजर से देखते हैं? अब मुझे लगता है कि मेरी तो बहुत सारी बातों को अजय और सुभाष भाई दोनों ने बहुत बड़ा सरल कर दिया और मैं तो पहले ही आपसे कहा कि एक दल का सदस्य हूँ और जो बातें मुझको कहना चाहिए वो सारी चीजें सामने आ गई। इसमें क्या दो राय है कि सरकार के खजाने से इतना पैसा इस तरीके से जो जा रहा है वो मुझे लगता है एक दल के सदस्य से इतर हट करके भी अगर हम सोचें, एक कॉमन आदमी के रूप में भी सोचें, तो जिस तरीके से ये प्रक्रियाएं की गई हैं, जो जिस भाव और धारणा के साथ किया गया है उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब रह गया आने वाले समय में इसको किस रूप में, किस प्रक्रिया में, किस तरीके से करेंगे, छानबीन पहले मैंने आपसे कह दिया है उसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। और मुझसे आधा अधिक कड़े शब्दों में इस बात को अजय भाई ने चूंकि दायित्व किया है तो इसलिए मैं उस बात को साफ कर रहा हूँ। एक बात मैं ज़रूर आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, कभी विधायक था, हमको पेंशन मिलती है। हमारे हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि चलते वक्त मेरे मन में बात थी कि इस बात को हमारे साथी उठाएंगे, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि हमारे दोनों मित्रों ने इस चर्चा को नहीं कहा। लेकिन इसके बावजूद चर्चा ठीक ठीक तरीके से हो और सुनने वाला जनमानस इस पर विश्वसनीयता अपनी उड़े ले, इसलिए जो हमारी वीकनेस है, हमारी कमजोरी है, उसे हमको अपनी ओर से भी प्रकट करना चाहिए, ऐसी हमारी दृढ़ मान्यता है। तो इसमें जो ये पेंशन का मामला चला है, इसके लिए जावेद भाई आपके जानकारी होगी, मैं स्मरण के लिए आपसे कह रहा हूं कि ऑलरेडी एक पब्लिक लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
और उसमें जवाब सवाल पार्लियामेंट से विधानसभाओं से बराबर हो रहे हैं। जो पूर्व विधायक भी पेंशन पा रहे हैं, पूर्व सांसद भी पेंशन पा रहे हैं, जो मीसाबंदियों को पेंशन इस तरीके से दी जा रही है, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास में विचाराधीन है। और उस मुद्दे पर यह हुआ है कि चूंकि न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र इंडिपेंडेंट है, कार्यपालिका का भी क्षेत्र जो है वो इंडिपेंडेंट है, चूंकि ये निर्णय कार्यपालिका ने लिया है इसलिए इसको न्यायपालिका में दखल नहीं देना चाहिए, इन तमाम सारे विषयों पर वो अभी पब्लिक लिटिगेशन के भीतर है। तो मैं पुनः अपने इस बात को दोहराते हुए कि जनमानस की दृष्टि से उन तमाम सारे साथियों को, भाइयों को, जो निर्णय सरकार ने लिया है वो उचित है और उस पर हमें कुछ कमेंट करने का व्यक्तिगत रूप से कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो निर्णय आए वो कोर्ट का निर्णय है, सरकार का निर्णय है, हम अजय भाई की बातों से पूरी तरह सहमत हैं। और साथ ही साथ उस बिंदु पर भी मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि कब्बर कान ले गया पे नहीं, जो परिस्थितियाँ निर्मित है उसके प्रति सत्यापन हो और अगर दिया जाना है तो जो जो सही लोग हैं उनको ही ये दिया जाना चाहिए, ये जनमानस भी चाहेगा इसमें मान्यता। सुभाष जी, जैसा कि आप सब लोग ये कह रहे हैं कि पात्र को मिलनी चाहिए, अपात्रों को बाहर करना चाहिए, और इस पर आप लोगों ने आवाज आज तक क्यों नहीं उठाई कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे, एक खास विशेष लोगों की पार्टी को ही अगर दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से गलत है, एक पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता के अभाव से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। देखिए जावेद भाई, मैं इस पूरे डिबेट में, इस वाद विवाद में, चर्चा में आपको एक बात बता दूं, असली मुद्दा अभी उठ के आया ही नहीं। मीसाबंदी का पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, पात्र है अपात्र, ये सारी चर्चा है पूरी, लेकिन ये पेंशन की व्यवस्था बनी कैसे है और कब से है इसके पर आपको इसके मूल पर जाना पड़ेगा, तब आप सारी चीजें समझ। ये तनख्वाह के बाद, रिटायर होने के बाद किसी कर्मचारी अफसर को मिलने वाला पेंशन नहीं है, ये देश और समाज के लिए लड़ने मरने मिटने वाले लोगों को मिलने वाला पेंशन की बात हो रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज की आजादी 15 अगस्त 1947 के बाद 26 साल बाद मिसेस गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के 1973 15 अगस्त को जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े थे, चाहे वो नरम दल के रहे हो या गरम दल के, उन आजादी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीरों के परिवारजनों को जो भुक्तभोगी हुए हैं, जो आजादी की लड़ाई लड़ने में हैंड टू माउथ होने के कारण असहाय, बेसहाय और अपाहिज हो गए हैं, जिनके पास खाने के लिए कोई साधन सुविधा नहीं रह गया था समाज और देश का, देश की आजादी की लड़ाई में लड़ने के कारण, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए, ऐसे लोगों की यात्रा सुविधा के लिए, ऐसे लोगों के जीवन उपार्जन के लिए उस जमाने में 250-300 रुपए पेंशन देना शुरू किया था। और प्रदेश सरकार ने अपने तरीके से निर्णय लिया था और केंद्र सरकार ने अपने तरीके से, कि दोनों सरकारें अपने अपने बजट के हिसाब से इन स्वतंत्रता के सेनानियों को हम उनके जीवन यापन के लिए सहयोग करेंगे तो उनको पेंशन देंगे। पेंशन नाम उसमें भी जरूर आया, लेकिन वो वेतन भोगी पेंशन नहीं, अधिकारी कर्मचारी के पेंशन नहीं, वो देश के लिए समर्पण के कारण उनको एक सम्मान नीति, एक सहयोग नीति थी, और उसी के पैटर्न पर, उसी आधार पर ये प्रथम आजादी की लड़ाई हुई अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अंदर, देश की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सारे लोग, जाकिर हुसैन, तमाम लोग लड़े मरे, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन सारे लोगों की रहनुमाई में जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद उन लोगों में बचे हुए लोगों को स्वतंत्र, अब तो गिनती के 2-4% लोग बचे होंगे स्वतंत्रता सेनानी जिनको पेंशन मिल रहा, या 15 अगस्त 26 जनवरी को उनको बुला के साथ श्रीफल देकर सम्मानित किया जाता है समारोह में। उसी पैटर्न में जब दूसरी आजादी की लड़ाई हुई, हमने पहले गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी 90 साल तक 1947 15 अगस्त तक, उसके बाद हमने काले अंग्रेज, हमने कहा जहां पर न्यायपालिका भंग हो गई थी, जहां पर अदालत शून्य हो गया था, जहां नो अपील, नो दलील, नो वकील था, जब जेल के अंदर बंद लोग अपने न्याय के लिए कहीं एप्लीकेशन नहीं लगा सकते थे, कोई अपील नहीं कर सकते थे, कोई दलील नहीं दे सकते थे, कोई वकील नहीं कर सकते थे,
ऐसे लोगों को जिनके साथ कुठाराघात हुआ, जिनको जेल की सीटों में बंद किया गया, जिनको आड़ा बेड़ी में बंद किया गया, जिनके परिवार देश के बाहर जेल के बाहर सड़ रहे थे, मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों के लिए 2008 जी, यहाँ सुभाष जी ने बड़ा गंभीर सवाल उठा दिया। उनने सीधा सीधा उनका ये कहना है कि इमरजेंसी को इनने स्वतंत्रता संग्राम दूसरी आजादी से तुलना कर दी, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये दोनों चीजें को आप किस नजरिए से देखते हैं, किस तराजू में दोनों? आजादी के लड़ाई में महात्मा गांधी थे और दूसरी आजादी संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। दो लड़ाई हुई इस देश में, देश की आजादी के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए। जावेद भाई, सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे ख्याल से आ चुके हैं। जिस आजादी की बात की चर्चा की गई है, इन सबका फैसला तो देश का आवाम ही तो करता है, और देश के आवाम ने अगर एक फैसला किया जिसको आप एक अपनी भाषा में कह रहे हैं, तो उसी देश की जनता ने तो 3 साल बाद एक दूसरा भी फैसला कर दिया बाबा, उसे इंदिरा गांधी को लेकर के प्रधानमंत्री बना दिया, और उसके बाद से लगातार तमाम सारे लोग, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे उसके बाद मनमोहन सिंह हो, एक सरकार उस तरीके से चलती रही। तो हम जानते हैं इस बात को, नाराजगी हमारे दोनों साथी मीसा बंदी रहे, तो इनका मनभाव उस तरीके से उस दिन को जब स्मरण करते होंगे तो वो एक अलग विषय, लेकिन सारी चीजों का फैसला चूंकि जनता करती है, और जनता जिसको आप कह रहे हैं उस पर जनता ने 3 साल बाद एक दूसरी मुहर उसी आदमी के लिए, 3 साल पहले क्या हुआ? 3 साल पहले तो आप कह चुके जो हुआ, लेकिन 3 साल बाद उसी जनता ने, जिसको आप बार बार दोहरा रहे हैं, उसी के लिए जनता ने 3 साल बाद आदमी भी दूसरा नहीं, सेम इंदिरा गांधी, सेम इंदिरा गांधी को ला करके और इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। ना केवल इंदिरा गांधी को, बल्कि उनके पुत्र को, उनके न रहने के बाद उन्हें इस देश को राजकाज चलाया। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि उन बातों को इस दृष्टि से जोड़ करके बातचीत करना, आज मुख्य रूप से जिस विषय पर आपने जावेद भाई चर्चा को यहाँ जोड़ा है, मैं चाहता हूँ कि उसको इस परिधि में रखा जाए, और इसी परिधि में रख करके एक वातावरण अनुकूल बना करके जो भाव और भावना कांग्रेस की सरकार की और कमलनाथ जी की है, कि जिन लोगों पर भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है, शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, उसे भौतिक सत्यापन करके उसको आगे की स्थिति में लाया जाए, यहीं पर इसको मुझे लगता है मेरा ये ज्यादा उचित होगा। ये जो मूल मीसाबंदी है उनका ये ठीक नहीं, सम्मान नहीं, ये किसने कहा? आप जोड़ रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं, ये तो किसी ने कहा, सरकार भी तो यही कह रही है कि मैं भौतिक सत्यापन कराऊंगा, उसके पश्चात इसको आगे देखूंगा कि मुझे क्या करना है। मिश्रा जी, मेरा ये कहना है कि हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना में नहीं आते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल उचित है, बिल्कुल नहीं आते, कुर्बानी आती है, हम लोग ने लड़ाई लड़ी, लेकिन हम उनके बराबर नहीं थे। मुझे याद आता है कितनी बार, दोनों साथियों से कहना चाहता हूँ, मुझे याद आता है कितनी बार उस जमाने के पत्रकारों ने जयप्रकाश नारायण जी से के विषय में, मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी के, उनसे ये कहा था कि क्या जयप्रकाश नारायण को महात्मा गांधी की तुलना में देखना चाहिए, तो बहुत स्पष्ट शब्दों में मोरारजी देसाई जैसे आदमी ने कहा था कि कहां महात्मा गांधी, कहां जयप्रकाश नारायण। तो इसलिए आज की बहस में उन पुरुषों को तुलनात्मक अध्ययन और बातचीत करने का कोई न तो तुबलता है और कोई चर्चा का विषय है। मैं इसलिए इस बात को बार बार कह रहा हूँ, अगर इस विषय पर चर्चा उठानी है तो फिर कोई एक मंच बनाइए और आइए, फिर उस पर बातचीत अपन चर्चा करेंगे। घड़ी अब इजाजत नहीं दे रही है कि इस बहस को आगे किया जाए, मैं बहस को खत्म करूं उसके पहले एक एक मिनट में आपके अंतिम शब्द मैं लेना चाहूंगा। सुभाष जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत साफ बात है, मैं कमलनाथ जी से एक अपील करना चाहूंगा, इस देश के हमारे इस प्रदेश के सूबेदार हैं, मुख्यमंत्री हैं, और बहुत सुलझे और समझदार हैं, काफ़ी लंबा समय होता है। देखिए, जब 73 से 77 तक स्वतंत्रता सेनानियों का पेंशन, 77 में केंद्र मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने के बाद, और प्रदेश में कैलाश जोशी मुख्यमंत्री बनने के बाद, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन नहीं बंद किया। ये नैतिक मर्यादा है हमारी राजनीति की, और नैतिकता भी ये कहती है, लोकतंत्र में ये तकाजा है। तो जब गैर कांग्रेसी सरकार, चाहे प्रदेश में रही हो, जैसे देश में, अगर कांग्रेस जो 90% स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस से जुड़े लोग थे,
उनका गठबंधन नहीं किया आज की तारीख तक जब निवर्तमान हुए हैं शिवराज सिंह जी, तब तक प्रदेश के किसी का आज की तारीख तक कांग्रेस समर्थित स्वतंत्रता सेनानियों का पेंशन नहीं बन पा राजनीतिक विद्वेष से। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र सेनानियों का भी पेंशन राजनीतिक विद्वेष से नहीं बन पाते। मैं कमलनाथ जी के विषय में केवल ये, चूंकि राज्य सरकार का विषय है, कमलनाथ जी के विषय में केवल इतना कहना चाहता हूँ, जितनी मेरा ज्ञान है कि आते के साथ उन्होंने जिस तरीके से किसानों का, कन्याओं का, आशा कार्यकर्ताओं का और वंदे मातरम का, इन तमाम सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दूर बनाने की कोशिश किया और उन्होंने अपने सूझबूझ और विवेक के साथ उनका निराकरण किया, इस विषय में भी मेरा कहना यह है, उन पर पूरा भरोसा है, हमारे साथी लोग इस बात को पूरे तरीके से भरोसा में रखें कि भौतिक सत्यापन के पश्चात निश्चित रूप से न्याय होगा। गलत काम करने का न तो कमलनाथ जी का इरादा है, न उनका स्वभाव है और न वो छोटे दिल दिमाग के उस तरीके के व्यक्ति हैं, बड़ा व्यक्तित्व है, बड़ा काम है जीवन का। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं हमारे और वो राजनीतिक निर्णय लेने के लिए सक्षम है, जो भी करेंगे उसका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे सारे अतिथियों का साफ तौर से कहना था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे वो स्वागत में होगा। निश्चित रूप से जो भी लिस्ट है, मीसा बंदियों की जो भी लिस्ट है, उसका एक बार फिर से निरीक्षण होना चाहिए और निरीक्षण होने के बाद एक नए सिरे से पैमाना तय होना चाहिए और उस पैमाना तय होने के बाद अगर लगता है सरकार को तो मीसा बंदियों को पेंशन मिलनी चाहिए तो उनको पेंशन मिले, अगर उसको सरकार को लगता है मीसा बंदियों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए तो वो पेंशन बंद हो जानी चाहिए। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार।